खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा वो अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब। हेलो सतीश, ठीक है ओके सर। राइट, सो 24th के दिन, 24 अप्रैल के दिन कुलसुम्बरा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक मर्डर केस हुआ। उसके अंदर डिसीज पर्सन सोहेल और साथ में इंजर्ड पर्सन दीपक था। उसके बाद में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया गया और उसमें हमने टोटल 6 पर्सन को अप्रिहेंड किया है। तो इसमें जो डिटेल्स है, इसमें A1 जो योगेश है, उसने उसके फ्रेंड से अरुण से एक बाइक परचेस किया था 20,000 रुपीज़ में, लेकिन बाद में उसने टोटल अमाउंट ना देते हुए ओनली 5,000 अमाउंट दिया, 15,000 स्टिल रिमेनिंग था। तो लास्ट मार्च मंथ में अरुण, साथ में जो डिसीज पर्सन है योगेश, बाद में जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में अरुण फैजान, ये सारे लोग एक साथ आके उसका व्हीकल वहाँ से लेके चले गए। ये जो ग्रेजेस था इसमें मन में रखते हुए योगेश ने इसके व्हीकल के बारे में सर्च भी किया, लेकिन उसको व्हीकल वो मिला नहीं। तो सैटरडे के दिन 22nd के दिन वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ मुसी रिवर के पास वहाँ पे बैठा था, टोटल 7 मेंबर्स। उस टाइम पे डिसीज पर्सन सोहेल और जो विक्टिम पर्सन है दीपक वहाँ पे आए। उस टाइम पे उन्होंने आने के बाद दिस एक्यूज पर्सन दे आज की ये फैजान कहाँ पे, अरुण कहाँ पे, हमारा व्हीकल कहाँ पे, उसके बारे में उन्होंने सर्च भी किया, लेकिन जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में दीपक को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो उन्होंने उसको वहाँ पे मारा, उसके बाद में उसके व्हीकल के बारे में वहाँ पे बाद में सर्च भी किया। तो नेक्स्ट दिन 23rd के दिन 2BHK हाउसिंग के पास आके वहाँ पे रूफटॉप पे उसके लेके चले गए। वहाँ पे जाने के बाद अगेन इन लोगों ने जो A1 योगेश है, इन्होंने डिसीज पर्सन को वहाँ पे मारा और साथ में जो बियर बॉटल उनके साथ में था, उस बियर बॉटल से उन्होंने डिसीज पर्सन को योगेश के सिर पे मारा। उसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग इंजरीज उस पर आ गए। मॉर्निंग 5 o'clock को वहाँ पे उस कंडीशन में वो वहाँ पे पड़े हुए थे। उस टाइम पे जो 2BHK हाउसिंग का रहने वाला एक रेसिडेंशियल है सिविलियन, वो वहाँ पे रूप पे आया। आने के बाद ही आज की यहाँ पे क्या कर रहे, उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली डायल 100 कॉल किया और डायल 100 कॉल आने के बाद पुलिस इमीडिएटली वहाँ पे गई, कंसर्न नाइट रोड ऑफिसर, और उसको एम्बुलेंस में वहाँ पे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो ट्रीटमेंट के टाइम पे इसकी डेथ हो गई। तो हमने जो अभी टोटल 7 मेंबर्स को यहाँ पे पकड़ा है, इसमें पुलिस की तरफ से अच्छा एफर्ट्स लगाते हुए ACP गोशमल सतीश और साथ में SHO कुलसुमपुरा, DI कुलसुमपुरा साइदेश्वर, DSI साई श्रीनिवास, वेणुगोपाल SI और साथ में जो क्राइम PD कांस्टेबल है मोहम्मद इब्राहिम, शिव प्रसाद, नवीन कुमार, नरेश कुमार, विनोद, इन्होंने अच्छा एफर्ट्स लगाया। इसमें टोटल हमने 6 मेंबर को अभी तक अप्रेहेंड किया है और 1 पर्सन आकाश अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो इसमें से टोटल 3 पर्सन टोटल राउडी शूटर्स है, उनमें योगेश, वरुण राव एंड राजास्वामी, ये राउडी शूटर्स है। ऐसा तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो आया उसमें 2 दिन के बाद जब हमने एडमिट किया उसी के टाइम पे हमने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया था, उनके जो पेरेंट्स के साथ है सुहेल और दीपक के पेरेंट्स दोनों मिलके बच्चे को ढूंढने की कोशिश करे, जगह जगह जाके ढूंढे, बच्चे का कहीं भी पता नहीं मिलने के बाद आखिरी में पुलिस से कॉल आया कि यहाँ पे आपका बच्चा है। जबकि उससे पहले वो लोग आसिफ नगर पुलिस स्टेशन को जाने के बाद में पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। ये जो इन्फॉर्मेशन वो गलत है, ऐसे पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। जब हमें डायल 100 कॉल आया उस टाइम पे हमने पुलिस ने उनको कॉन्टेक्ट किया था। सर 6 जने एक ही जगह मिले, लोग कहाँ से रहते हैं? नहीं, ये सारे के सारे डिफरेंट एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जैसे कि 2-3 जो लोग हैं कुलसुमपुरा के रहने वाले, बाकी भी नेबरिंग जो एरियाज़ है लंगर हाउस वगैरह वहाँ पे रहने वाले हैं।
ऑलरेडी योगेश पे राउडी शीट ओपन है, योगेश पे ओपन है, वरुण राव है, राजस्वामी पे पीएस में तीन केसेस है A1 के। हाँ A1 के यस, तीन केसेस है। उसके बारे में हम ट्रेस आउट कर रहे हैं क्या है क्या नहीं। अभी हमने आज ही एक्चुअली हमने 6 लोगों को पकड़ा है, तो जो भी टोटल उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स हमारे पास नहीं है अभी तक। हम अभी उनको रिमांड करेंगे, रिमांड करने के बाद पुलिस कस्टडी लिया जाएगा और भी जो डिटेल्स है इसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।